बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान हैदर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं डीआर सानी। नाजरीन देख रहे हैं कि इस वक्त दरबंद के खूबसूरत मकाम पे मैं मौजूद हूं। कुछ दोस्त भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये किसी विजिटर की है, किसी सैर तफरी करने वाले हमारे दोस्त की है। उसकी गाड़ी के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आज आए हुए हैं दूर दराज से सिर्फ दरबंद की खूबसूरती को देखने के लिए और दरबंद में जो किश्ती की सैर की जाती है उसके लिए। आपको मेरा कैमरामैन अनिल शाह चारों तरफ गाड़ियों का व्यू दिखाएगा कि इस वक्त काफ़ी गाड़ियां मौजूद हैं और हम आगे चल के कश्ती के किनारे जाएंगे। वहां पे काफ़ी लोग आज आए हुए हैं, वो मनाजर भी हम आपके सामने लेके आएंगे। चलो अनिल शाह चलते हैं। देख रहे हैं कि हमने रुख कर लिया तरबेला झील के किनारे। सामने कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, यहाँ पे काफ़ी फैमिलियाँ आई हुई हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, घूमने फिरने वाले काफ़ी लोग हैं, दूर दराज से आए हुए हैं और काफ़ी रश है। आपको मेरा कैमरा मैन दिखा रहा होगा, हम भी जा रहे हैं नीचे कश्तियों के पास, वहाँ पर आपको खूबसूरत मनाजर दिखाएँगे जी। जी नाजरीन, हमने भी रुख कर लिया तरबेला झील के किनारे यानी अपने दरबंद कि कश्तियों के अड्डे की तरफ। काफ़ी इस वक्त लोग आ जा रहे हैं और यहाँ पे समोसा चन्ना चाट और हाँ पक रही हैं, लोग आके खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल दरबान की खूबसूरती को चार चांद ये पानी लगा रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। व्यू यहाँ पर काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे और ये देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी पार्टी एंजॉय करके आ रहे हैं, बारबेक्यू किया। आज चलो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये देख रहे हैं जी, ये छुप रहे हैं मुझसे जी। ये देखें जी आप, ये देखें जी, दोस्त हैं, ये छुप रहे हैं। मेरे ख्याल में बारबेक्यू अकेले अकेले करके आए और ये छुप रहे हैं जी। नाज़रीन, मेरे दोस्त अभी बारबेक्यू करके आ रहे हैं, अकेले अकेले मैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम शहरयार, क्या हाल है? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप सुनाए ठीक ठाक खैरियत है? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ गए थे छुप छुप के अकेले अकेले आज मौज मस्ती की? बस ये दोस्त आए थे हैबाद से, तो इन्होंने कहा प्रोग्राम करते, अभी गए थे अभी बहन को, तो उधर बारबेक्यू का निज़ाम किया और आम वगैरह भी खाएँ। अभी थके हुए आए हैं, बात भी नहीं हो सकती। वहाँ पे आम अपने यहाँ से लेके गए थे या बाग में खाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने हमारे साथ माशाल्लाह काफ़ी तावन किए, हमारी बहुत मेहमान नवाजी किए और इन भाइयों की भी बहुत मेहमान नवाजी किए, तो ये भाई भी बड़े खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कितना खाया गोश्त आपने? खाया भरपूर इंजॉय किया या कि तो कम खाया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जो साथ में सुबह लेके गए थे तकरीबन 3-4 किलो गोश्त था, उनमें से एक बोटी भी नहीं बची। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पेटी आम की उधर ली थी, वो भी सारी गई, एक भी नहीं बची। हम तकरीबन 8-9 बंदे थे ना। अच्छा, तो कुछ भी नहीं बचा। बहुत शुक्रिया शहरयार, बहुत शुक्रिया, मिल के खुशी हुई। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं और चारों तरफ काफ़ी रश लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि कश्तियों वाले भी खुश हैं, जब तरबेला झील का पानी ऊपर आता है तो इनकी भी मौज मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आज तो ईद का तीसरा दिन है और जब ईद का तीसरा दिन है तो काफ़ी मेहमान लोग आते हैं और जो दूर दराज लोग होते हैं वो कश्ती के शौकीन होते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरा मैन आपको बखूबी दिखा रहा होगा कि यहाँ काफ़ी रश लगा हुआ है, ख़ास तौर पर दूर दराज से फैमिलीज़ आ रही हैं और कश्ती रानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अभी आगे चल के मैं किसी कश्ती के ऊपर बैठ के भी आपको खूबसूरत मनाजर दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो अदील शाह, आप आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ दें और आगे चलते हैं। देखें काफ़ी लेडीज़ आई हैं, बच्चे आए हुए हैं दूर दराज से और इंशाल्लाह यहाँ पे सेफ्टी का निज़ाम भी काफ़ी मौजूद है और कुछ बोट्स वालों के पास लाइफ जैकेट भी हैं।
जी नाज़रीन, आपके सामने हमने राउंड लगा लिया, कुछ दोस्त भी आए हुए थे, उनके साथ गैदरिंग हो गई थी, राउंड लगा लिया था, बड़ा इंजॉय किया। आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है ज़रूर यहाँ पे आएँ, दरबंद आएँ, किश्ती को इंजॉय करें, दरबंद के जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको इंजॉय करें, ख़ासतौर पर कबाब अच्छा है, मछली अच्छी है, चाट अच्छी है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई, आप लोग ज़रूर कॉमेंट्स में बताएँगे आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली वीडियो तक दीजिए डी आर सानी को इजाज़त।